ये देखिए गाइस, आज हम ले करके आ गए टेस्टी यम्मी डिलीशियस, गर्मी को दूर करने वाला बहुत अच्छा टेस्टी सा ड्रिंक। तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा की रसोई में। तो चलिए आज बना लेते हैं ये स्पेशल सा ड्रिंक। तो ये देखिए गाइस, पहले हमने सोचा नहीं था कि हम आप लोगों को दिखाएंगे ये ड्रिंक, लेकिन फिर सोचा जब हमको फ़ायदा किया तो हम आप लोगों को भी दिखाएं। तो ये हम बॉयल ही कर रहे थे बनाने के लिए, तो हमने सोचा चलिए आपको भी दिखा देते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे से अमियाँ हैं, इनको आप बॉयल कर लीजिए। आपको जैसी अमियाँ खट्टी वाली मिले या फिर मीठी वाली बने मिले, कोई भी मिले, अमियाँ होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से देखिए बॉयल कर लेंगे अच्छे से। तो इनको टच करके भी देख लेंगे अच्छे से। तो जब तक ये टच हो रही है, तो जब तक ये बॉयल हो रही है, तब तक चलिए दूसरा इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। तो दूसरा इंग्रेडिएंट ये है जीरा, 1 स्पून जीरा, 2 स्पून सौंफ। देखिए इस मसाले को आप बनाकर भी रख सकते हैं, मगर हम बनाते नहीं हैं, हम सीधे ताज़ा बनाते हैं, जिससे कि उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा निखर कर आता है। तो देखिए जीरा और सौंफ को हम बढ़िया सा भून लेंगे, यानी रोस्ट कर लेंगे सिंपल सा तवे पर अपना। ये देखिए इस तरह से, तो ये देख सकते हैं इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे। इसमें देखिए इसको हाई फ्लेम पर नहीं करना है, धीमी धीमी फ्लेम पर करना है, जिससे कि क्या होगा कि बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे और जले भी नहीं हमारा इंग्रेडिएंट। तो देखिए अच्छे से भुन गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। देखिए देखते रहिएगा, जिससे कि क्या है ना, एक बार ये बना कर आप रख लें तो इसको आप मतलब ड्रिंक के रूप में भी यूज़ कर सकती हैं पीने के लिए, और इसे चटनी भी बनाकर खा सकती हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं चटनी पीना नहीं पसंद करते, तो वो चटनी बनाकर खा सकते हैं, टेस्टी लगती है और आपके पेट को भी ठंडक देती है। और जो लोग पीना पसंद करते हैं तो वो इसे पी सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने प्लेट में रख लिया, इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद देखिए इसको हम डालेंगे ग्राइंडर जार में। तो उसको पहले हम सिंपल सा इन्हीं दोनों चीज़ों को पीस लेंगे, आगे फिर दिखाएंगे कि क्या करना है। तो ये देखिए पीस लिया है, तो बारीक हो गया है। इसके साथ अगर हम और कोई इंग्रेडिएंट पीस लेते गीली चीज़, जैसे ये पुदीना है, एक साथ पीस लेते तो ये अच्छे से महीन नहीं होता, तो इसीलिए हमने पुदीना को बाद में रख लिया था। और अब ये देखिए अमियाँ जो बॉयल हो चुकी हैं, इनको ठंडे पानी में डाल देंगे, जिससे कि ये ठंडी हो जाएंगी तो हमको स्क्रीज करने में आसानी होगी। तो देखिए इस तरह से हम धुल लेंगे अच्छे से अमियाँ को। जो अमियाँ जिस पानी में बॉयल किया था, आप उसको भी यूज़ में ले सकते हैं, मगर अभी ये छोटी छोटी अमियाँ हैं तो इसके अंदर चेपी निकलती है। तो देखिए ऊपर का सिर जो होता है वो हटा देंगे इस तरह से, ये देखिए, उसके बाद इस तरह से पानी में सोक कर देंगे। ये देखिए इसको स्क्रीज करेंगे, आप देख सकते हैं इस तरह से, यानी अमिया को अच्छे से इसके अंदर के पल्प को हमें निकालना है और गुठली और ऊपर के छिलके को हटा देना है। तो देखिए इस तरह से हम कर लेंगे अच्छे से, ये देखिए इस तरह से छिलके को हटा देंगे और जो गुठली मिलती है ये देखिए इस तरह से, ये इसको भी हटा देंगे। और इसी तरह से सारा का सारा हम करके रख लेंगे। तो सारा कर लिया है, तो अब देख सकते हैं इसमें हमने डाल दिया पुदीना और ये अमिया का पल्प जो निकाला था उसको भी हम ऐड कर देंगे, बीज को हटा देंगे इस तरह से। तो अब इसे हम अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए गाइस पेस्ट बनकर तैयार है। देखिए अब अगर आप चटनी के रूप में यूज़ करना चाहती हैं तो आप नमक और चीनी भी ऐड कर सकती हैं। और ये देख सकते हैं अब इसमें भी काफ़ी पुदीना था, चटनी थी हमारी, तो इसमें हम डालकर थोड़ा सा पानी इस तरह से हिला देंगे। और इसको हम क्या करेंगे, अब देखिए जिस बर्तन में आपको बनाना है, यानी जितनी ग्लास बनाना है उतने ग्लास आप ठंडा पानी ले सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे बच्चे की तबीयत ख़राब थी या ख़राब है, तो उसको हम बर्फ़ वगैरह नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो हम सिंपल बना करके देंगे। ये देखिए इस तरह से 2 चम्मच। एक बात और गाइस, हमारी कल वीडियो नहीं आ पाई थी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हॉस्पिटल वगैरह जाओ तो कितना दिक्कत होती है, पूरा दिन लग जाता है। ये देखिए हमने इसमें चीनी डाल दी है 1 स्पून भर के, जैसा आपको मीठा पसंद है उस हिसाब से टेस्ट ले लीजिएगा। अब इसमें हमने नमक डाल दिया है, तो इसमें हमने पहले सफ़ेद वाला नमक डाला था, उसके बाद में काला नमक डाला है, टेस्ट के हिसाब से मिक्स कर देंगे और अब इसे हम सर्व करेंगे। एक बात और गाइस, कल भी हो सकता है आपको वीडियो ना मिल पाए, क्योंकि हमको फिर से अपने बच्चे को लेके जाना है हॉस्पिटल, क्योंकि 3 दिन बाद दिखाना था, बोला था डॉक्टर ने इस वजह से। तो ये देखिए अब इसे हम सर्व कर देंगे। तो आप लोग देखिए अगर बर्फ़ डालकर पीना चाहते हैं तो ठंडा ठंडा बर्फ़ डालकर पीजिए, बहुत टेस्टी बहुत यम्मी लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और दूसरी चीज़ को, यानी इसको चटनी की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर हमारी पिछली पुरानी वीडियो आप देखते रहिए, अगर वीडियो नहीं आ पा रही है, बस बच्चे की तबीयत जैसे ही ठीक होती है हम रेगुलर वीडियो अपलोड करना शुरू करेंगे। थैंक यू।